हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सपेरिमेंट गुट के ऊपर गुट बहुत सारे लोग खाते हैं ये है पान मसाला और ये है तंबाकू दोनों को मिला के बनता है गुटा और बहुत सारे लोग गुटा खाते हैं आप सबको पता ही है कुछ लोग एक या दो पुड़िया खाते हैं कुछ लोग पांच पांच दर्जक खाते हैं तो मैं आज के वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ पांच पुड़िया के साथ अगर आप या आपका को कोई जानने वाला पांच पुड़िया कम से कम दिन की रोज खाता है तो उसके शरीर में किस तरह का नुकसान होता है कितना जल्दी उसको कैंसर होने वाला है कितने जल्दी उसके शरीर के पार्ट गलने वाले हैं कितनी उसकी उम्र कम होने वाली है दांतों का क्या नुकसान होने वाला है पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा दिखाऊंगा तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा जो भी आपको कोई जानने वाला होगा तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चलिए करते हैं वीडियो को शुरू तो दोस्तों मेरे पास है पांच पान मसाला के पाउच इन सबको एक एक करके मैं गिलास के अंदर डाल दूंगा एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसी गिलास का ही प्रयोग करेंगे और इसके अंदर देखने वाले हैं कि हमारे को पान मसाला तंबाकू खाने से क्या नुकसान होता है शरीर पर क्या नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंगम ऑफ पास मसाला इज इंजीरियस टू हेल्थ साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में वार्निंग लिखी हुई है और ये है तंबाकू तंबाकू भी जो विमल पान मसाला के साथ आता है उसको मैंने लिया है और उसको भी पांचों के पांचों पैकेट मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इस इसपे भी बड़ी बड़ी वार्निंग लिखी हुई है तंबाकू सेवन यानी अतकाल मौत कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप इसका सेवन करते हैं आप इसको खाते हैं तो ये पांचों के पांचों मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं और डालने के बाद दोस्तों अच्छे से कर लूंगा इनको मिक्स जिस तरीके से आप अपने मुंह के अंदर डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पूरा प्रयोग होगा साथ में थोड़ा सा पानी डालूंगा क्योंकि मुंह में रखते हैं तो वो गीला हो जाता है और ये देखिएगा किस तरह के इसमें झाग बन रहे है, किस तरह का कलर आ रहा है पता नहीं आप लोग कैसे खाते हैं बट आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद इससे घिन आने लगेगी खुद समझ में आएगा कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो यहाँ पे लिए मैंने दोस्तों आगे कॉटन और कॉटन के साथ में लिए एक पट्टी जो चोट वगैरह पे लगाते हैं मैं कॉटन को इसके अंदर बंद करके पूरी तरीके से मैं धागे से बांध लूंगा ये इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप मुंह के अंदर रखते हैं मुंह की जो स्किन है वो खाल है वो बहुत नाजुक होती है और उसी पे ही गुटके का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है तो हम स्किन पे अपनी तो नहीं कर सकते बट इस तरीके से डेमो के थ्रू आपको समझा सकते हैं और इसके अंदर मैंने डुबो दिया है और डुबोने के बाद अच्छे से धागे को इस डंडी पे बांध दूंगा ताकि धागा इसके अंदर ना जाए और दो दिन के लिए मैं इस गिलास के अंदर रखूंगा और आगे मैं बताऊंगा कि तंबाकू खाने से कितनी सारी बीमारियां आती है वो सब मैं इस वीडियो में लिख के दूंगा आप देखना कि आपको पता भी नहीं होगा कि इतना सब तंबाकू खाने से होता है यहां पे दोस्तों दो दिन हो गए पूरे और अब देखिएगा इसका हाल सबसे पहले तो इस पानी को देखिएगा इससे आ रही है बहुत ज्यादा बदबू दोस्तों पता नहीं आप लोग कैसे खाते हैं इसका कलर देख लो आप में से कौन है जो इसको पीना चाहेगा मुंह में रखना चाहेगा अगर है तो कोई कमेंट करके बताओ मैं भी जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा तंबाकू खाने का बहुत ज्यादा आदि है जो इसको भी अपने मुंह में रख सकता है खा सकता है और यहां पे देखो कॉटन का हाल दो, दोस्तों बिल्कुल व्हाइट प्योर कॉटन मैंने रखी थी और अभी तो दो दिन ही हुए हैं आप लोग तो लगातार सालों साल खाते हैं तो देखो किस तरह का हाल हो गया है इसी तरीके से आपके गालों की स्किन गल जाती है छाले पड़ जाते हैं कैंसर हो जाता है मुंह स्किन जो मांसपेशियां हैं वो इतनी टाइट हो जाती है कि मुंह खुलना बंद हो जाता है हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है शरीर पे इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है और ये देखिएगा कितना गंदा कितना देखने में लग रहा है ये सुपारी और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होता है तो देख लीजिए आप में से कौन है ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों कितनी तरह की बीमारियां हैं ये सब गूगल पे लिखा हुआ है कि इतने तरह की बीमारियां आप सबको हो सकती हैं अगर आप गुटके का लगातार सेवन करते हैं तो पहले तो आपको बोलूंगा कि गुटका नहीं खाना चाहिए कोई खाता भी है तो बहुत कम कर दो छोड़ दो उसकी जगह कुछ और खाओ कुछ अच्छा खाओ फ्रूट खाओ कुछ और अच्छा खाओ दूध पियो बादाम खाओ ड्राई फ्रूट खाओ अपने शरीर को बनाओ और इसको खाने से बीमारियां कितनी होती है ये सब आपको बता दिया नुकसान भी इस पर लिखा हुआ है और ये देखिएगा दोस्तों गिलास का भी हाल दो दिन सिर्फ मात्र दो दिन रखा हुआ था और दो दिन में गिलास के अंदर पूरा का पूरा दाग पड़ गया है दाग हट भी नहीं रहा है दोस्तों मेरा जो गिलास है गिलास भी खराब हो गया वीडियो की वजह से तो आप सोचो आपके शरीर का क्या होता होगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और सबके साथ ये शेयर कर देना क्या पता आपके शेयर करने से कुछ लोग गुटका छोड़ दें और उनकी सेहत अच्छी हो जाए